बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप सारे ठीक ठाक हों, जहाँ पे भी हो खुश हों। आज हम किचन स्टोव की क्लीनिंग करेंगे, उस क्लीनिंग की वीडियो बनाएंगे। हमने काफी मैसी किया हुआ है गंदा करके, फिर हमने सोचा था कि इसकी क्लीनिंग करेंगे तो उसकी वीडियो भी बनाएंगे। चले आए देखते हैं हम इसकी क्लीनिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। चले जी, सबसे पहले हम इनके बर्नर उठा लेते हैं। ये देखें, इसको हम पानी में डाल देंगे अभी या किसी बर्तन में। देखें जी, हमारा स्टोव कैसे 15 दिन में कैसे हुआ हुआ है। ये जो हमने कंडेंस्ड मिल्क बनाया था, ये काफी ज्यादा नीचे गया था। अच्छा जी, इस सिरका की ही बोतल थी, इसी के अंदर मैंने पानी डाला हुआ है और इसके अंदर कोई चीज नहीं है। यही हम कर देंगे इसके अंदर स्प्रे। ये साफ है, लेकिन आपकी वजह से मैं उतार रही हूँ ताकि आपको दिखा सके। ये हम सारा इसको कर देते हैं, ये टॉवल उतार देंगे, ये जितना भी है इसको हम सिरका का स्प्रे कर देंगे। ये ऊपर इससे किसी चीज के डैमेज होने का कोई खतरा नहीं है, खुल के स्प्रे करें। ये जो कंडेंस्ड मिल्क है, ये हम टिश्यू के साथ ही साफ कर लेंगे। और अगर इसको बहुत ज़्यादा, मैं तो बस सिंपल ब्रश से कर लेती हूँ, लेकिन अगर अगर जब नहीं उतरते तो मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा और पानी को गर्म पानी के अंदर डाल के ना, फिर इसके अंदर थोड़ी सी देर डाल देती हूँ, 30 to 50 मिनट। अच्छा जी, ये जो हमने लगाया है सारा, इसको सिरका और पानी, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ होते हैं तो इससे बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ये देखें जी, ये एक ही दफा से क्लीन करने से इस तरफ से हमें शीट लगाने में हल, शीट कम होगी थी लॉकडाउन में, जो चीजें हमारे पास थी हमने वही यूज की, जो नहीं थी वो हमने ही नहीं यूज की। ये गर्म पानी है, इसमें हमने सोडा डाला है और ये इन जगहों पे हम डाल देंगे। थैंक यू। ये सिंपल, हमने बस कुछ भी नहीं किया हुआ, इस पर कोई चीज नहीं लगाई, वही सिरका और पानी लगाए हुए। आप अपना काम करें ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो सिंपल हमने लगाए हुए। ये जो ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्लीनिंग की जरूरत होती है, वहां पे ब्रश से क्लीन करें। हमेशा एक कपड़ा ऐसा रखे जो माइक्रोफाइबर हो, उससे जो होता है ना, ये सारा वाटर एकदम सक कर लेते हैं। ये हमारा क्लीन हो गया। अच्छा, जब आप बेकिंग करते हैं तो आप डायरेक्ट ना यूज किया करें इसको, इसके अंदर एल्युमिनियम फॉइल, या खुसूसन जब ग्रिलिंग करते हैं, बारबेक्यू करते हैं, तो उस टाइम इसके अंदर आप क्या किया करें, एल्युमिनियम फॉइल लगा लिया करें।
जब आप ग्रिल करते हैं तो इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगाया करें और फिर इसके अंदर बारबेक्यू को ग्रिल किया करें, तो इससे ये मैस नहीं होगा। ये हमने सिंपल पानी में ही रखे हुए, फिर सोप से इनको वॉश कर लेंगे। ये हम ब्रश से क्लीन करते हैं। ये सारा पानी हम इसी से ड्राई कर लेंगे। बस फाइनल टच है। इसको ड्राई कर लेना है। अच्छा जी, चूल्हा हमारा क्लीन हो गया। अब हम क्या काम करने लगे हैं? सबसे पहले वैसे ये हमारा क्लीन ही था, लेकिन हमने आपको दिखाने के लिए दोबारा क्लीन किया। खत्म होता है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ तक लगाते हैं, आगे तक यूं, इधर से यूं, यहां से ऐसे, इधर से। ये देखे जी, ये कितनी खास चीज है। ये ऊपर से आपको ऐसे नजर आएगा, इसके बटन नहीं नजर आते। यहाँ पे जो भी डस्ट पड़ती है, जो भी ग्रीस होती है, इधर आती है। अब बटन हमारे बच जाते हैं, वो कैसे? वो ऐसे कि हमें तो ये नज़र आ रहे हैं, ये हम ऐसे जला सकते हैं, ये जला सकते हैं, ये हम सब जला सकते हैं, लेकिन ऊपर से जो है ना, ये ऐसे रहता है ताकि जो भी ग्रीस हो इसके ऊपर पड़े, क्योंकि पराठे वगैरह पकाते हैं या डेली कुकिंग के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, हम ये नाइफ से सुराख करेंगे थोड़े थोड़े, इसकी वजह है कि इसके अंदर गैस ना जमा हो, ये फॉइल के अंदर। ये इसका बड़ा ध्यान रखा करें, आप पिन से कर लें, इतने छोटे से, बस 3-4। अच्छा जी, ये एक बॉक्स है। ये क्या हुआ कि लॉकडाउन में हमने कोई ऑनलाइन डिलीवरी आई, हमारे घर बर्तन मंगवाए थे, उसका बॉक्स हमने काट के रख लिया था। हमारे पास बाज़ार जाने के लिए हम नहीं जा सकते थे, शीट नहीं ला सकते थे, इसलिए ये फॉइल ही लगा दी। हमने इस बॉक्स को बना लिया था यहाँ पे रखने के लिए। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, जब बाज़ार जाएंगे तो हम इसकी शीट ले आएंगे।
ये अब इसकी लाइट ऑन हो गई है, ये भी शायद आपको नजर आएगी, ये लाइट ऑन कर दी हमने इसकी, लेकिन रात को जीरो की लाइट की जरूरत ही नहीं होती यहाँ पे नहीं। अच्छा जी, ये हमारे पास शेल्फ थी, हमने यहाँ एक्सटेंशन लगाई है इसके लिए, और अब हम इसको भी इधर ही रखेंगे ये लाइट इधर लगा के। जरूरत पड़ती है ब्लेंडर की तो हम इसके अंदर रख देंगे यहाँ, बस इतने हमें हम इधर लगा लिया करेंगे फौरन। इसकी वॉश करने की जरूरत नहीं होती है, हम इसको क्लीन कर लेते हैं, इसकी वॉश की जरूरत होती है, ये हम उठा लिया करेंगे और ये हम रखेंगे एक्स्ट्रा चीजों के लिए और लीड्स के लिए, ताकि इसके अंदर से बाकी चीजें नजर ना आए। हम रखेंगे इसमें, हमने अभी लेमन की फ्रेग्रेंस डाली है और यहाँ पे ये, और साथ में हम एक छोटा सा फ्लावर रख देंगे, जैसे ये रस वगैरह है ये एक्स्ट्रा, ये हम इधर रख देते हैं, ये हम इधर रखेंगे और ये हम यहाँ पे लगाएंगे या एम पे इधर लगा लेंगे। इसके अंदर हम दो जो नैपकिन है, हाँ ये इसके अंदर रखते हैं, ये इसके अंदर नैपकिन हमने डाल दिए, ये मोहम्मद इब्राहिम लेके आए खुशबू के, कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये लाइट्स, ये रात को इसी तरह जल रही होती हैं। तो हमने इसको डेकोरेट कर लिया, अब लाइट ऑन कर दीजिए। वो क्विक चीजें हैं जो हमें हर टाइम जरूरत होती हैं, और इसी के नीचे हमने जो हमारा काउंटर है उसमें ये सब चीज़ें, मसाले वगैरह पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, इसके डाउन में ये स्पून वगैरह, ये होती हैं जो हर घर की ज़रूरत होती हैं और अर्जेंट हुआ। अब बाकी किचन का इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे साथ साथ। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें।